इतनी बार समझाया कि तू जल्दबाजी मत किया कर, तेरा सीनियर को सीख मुझसे, लेकिन मेरी बात सुनता ही नहीं है तू। ऑल द बेस्ट। तू देख अभी हफ्ते भर के अंदर वैशाली को अपने प्यार में फंसाऊंगा और एक महीने के अंदर किंटू भाई को पकड़ लूंगा। वैसे तू अभी दिल्ली जा रहा है ना, तो सर को बोलना मेरे प्रमोशन के पेपर्स तैयार रखेंगे। जाकर आता हूँ। क्या फिर से आएगा? ओ सॉरी, जाता हूँ। हैप्पी जर्नी यार। थैंक्स। हे अल पचिनो, इस सिटी का और मेरा साथ इतना ही था। आई विल मिस यू, बाय। ए इसको लेकर इतना दुखी मत हो। ए अल पचिनो, आज से मैं और तू है, टेंशन मत ले। तेरा जितना पैसा होगा मैं दे दूंगा। बाप रे, वैसे भी कोई जरूरत नहीं, आफ्टर सिक्स आ जाना। वैशाली, मैं सबको बाय बोलने आया हूँ, मैं 5 मिनट में चला जाऊंगा। व्हाटएवर, तुम जहाँ रहोगी मैं वहाँ 5 सेकंड भी खड़ी नहीं रहूंगी। एनीवेज, वैसे भी मेरा आज कुछ सुनने का मूड नहीं है। वैशाली, वैशाली, देखो फ्रेंड्स, कार स्लो चलाने के लिए बोला तो कॉलेज से ही निकलवा दिया और मैं कॉलेज छोड़ के जा रहा हूँ। इसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं तुम लोगों को अपनी स्पेशल हिस्ट्री नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया, फिर भी मैंने तुम लोगों को मार्क्स दिए। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने हमेशा तुमसे प्यार ही किया। तुम लोग अपने लाइफ में बहुत बड़े बनो और बड़ी पोजीशन पर जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। कल को अगर गिरी एक आईएएस ऑफिसर बन गया और प्रवीण एक आईपीएस ऑफिसर बन गया और कहीं मैं रोड पर दिख जाऊंगा तो लेक्चरर साहब आप कैसे हैं, इस तरह बोलना तुम कभी मत भूलना। लेक्चरर आप कैसे हैं, ये हम कैसे बोल सकते हैं सर? आपके बगैर हमें क्लास में एंटरटेन कौन करेगा सर? हम आपको बहुत मिस करेंगे सर। नो, ऐसे फिक्स मत हो जाओ, तुम लोग हमेशा ऐसे ही रहो। मुझे कॉलेज में फिर से वापस बुलाने के लिए तुम लोग दंगा फसा स्ट्राइक वगैरह कुछ मत करो। अब हम स्ट्राइक करके ही रहेंगे सर। ऐसी जल्दबाजी मत करो गिरी, तुम लोग कहना क्या चाहते हो? तुम मेरे लिए शंकर अन्ना के घर पर जाकर झगड़ा करोगे? एग्जैक्टली, हम अभी शंकर अन्ना के घर जाकर झगड़ा। अरे कमान से सुनो, रुको प्लीज, चलो चलो चलो, रुको रुको, देखो ऐसा मत करो। अभी कोई रोकेगा तो भी नहीं रुकेंगे। बहुत अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। शांत हो जाइए। शंकर अन्ना हमारी बात जरूर मानेंगे। अरे ओ मास्टर, ये सब क्या लगा रखा है? मैं भी तो उनको यही बता रहा हूँ, झगड़ा मत करो। ये सारा जुलूस तुम्हारे कारण ही निकला है। हाँ ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसा करने के लिए मैंने नहीं कहा। मैं तो शहर छोड़कर जाने वाला था। देखिए बैग भी रेडी है। ऐसा है तो फिर इन सबको बोलकर स्ट्राइक बंद करो। गुस्से को खत्म कर सकते हैं, लेकिन अन्ना के अभिमान को ऐसे झगड़ा करोगे तो कैसे चलेगा? अभी तुम सब लोग क्लास में जाओ, बाद में देख लेंगे। चलो चलो अपने अपने क्लास में चलो। मुझे फिर से कॉलेज में लेने तक हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे, ऐसा बिल्कुल मत कहना। इसकी बैटरी डाउन हो गई है और उधर कॉलेज में झगड़ा हो गया है। उस हिस्ट्री मास्टर को वापस कॉलेज में लेने के लिए कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स मिलकर स्ट्राइक कर दिए हैं। अगर ये मैटर सीरियस हो गया तो मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। तुम्हारे डैडी किट्टू भाई ने इस मैटर को सुलझाने को कहा था। अब तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा, बोलो मैं क्या करूँ? ओके, उस दिन रास्ते पर सबके सामने उसने मेरी इंसल्ट की थी, तो आप उसे जाकर कहिए कि सबके सामने मुझे सॉरी बोले। इतना ही ना, उसे मैं बुलवा दूंगा। देखो मास्टर, तुम्हें मेरी बच्ची को सॉरी बोलना पड़ेगा, तभी समझौता हो पाएगा। गलती तो उसने की थी, फिर हमारे टीचर क्यों सॉरी बोलेंगे? हम नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। कूल कूल कूल, मेरे एक बार सॉरी बोलने से अगर तुम्हारा भविष्य अच्छा होता है तो एक बार क्या 100 बार सॉरी बोलूंगा। वैशाली आई एम सॉरी, शंकर सर आई एम सॉरी, गंगा सर आई एम सॉरी, वेंकट सर आई एम सॉरी। देखा डर गया ना? हाँ चलो ठीक है बहुत अच्छा। देखो मास्टर, क्लास में जाकर इन सबको पढ़ाओ। हाय वैशाली, दिस इज राम, राम वैशाली, वैश वैश मेरी वैशाली, ए वैश वैशी। ए तू यहाँ फिर आ गया?
ट्रेन मिस हो गई क्या? नहीं रे, कॉलेज फिर से ज्वाइन किया। क्या फिर से ज्वाइन किया? हाँ। कैसे? बताओ। हाँ बोल रहे। मुझे भी तेरे साथ शेयर करना है। अरे बोल रहे। कुछ घंटे पहले कुछ ऐसा हुआ। कुछ फ्रेंड्स के कोऑपरेशन की वजह से ये सब हो गया। अरे बाप रे, कितना बड़ा ड्रामा किया तूने। ये सब होने वाला है जब तुझे पता था तो बैग पैक करके तूने मेरे साथ नाटक क्यों किया? बस फील के लिए। ड्रामा अच्छा करने के लिए रिहर्सल चाहिए। जब तुमने विश्वास किया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने उसे कंटिन्यू किया। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, सुन रहे हो ना तुम लोग? जो वादा किया वो। कमिन वैशाली। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अभी तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, कहाँ जा रहे हो? रुको, मेरी बात सुनो। ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हें अवॉइड क्यों कर रहे हैं? ए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एग्जाम है आज, इसे एग्जाम भी नहीं देने दोगे? बैठ जाओ। आप जाइए। वैशाली, मधुबाला, स्निग्धा, गेस हु इज क्लास फर्स्ट? विनीता, विनीता। नो, वैशाली गॉट फुल मार्क्स एंड शी इज क्लास फर्स्ट। वैशाली, वैशाली। ये क्या, हिस्ट्री में भी किसी को फुल मार्क्स देते हैं क्या? हाँ तो क्या, जिसको आती है उसको देते होंगे। तुम लिखो तुम्हें मिल जाएंगे। या यार। वैशाली, वैशो, वैशो, लिसन टू मी, वैशो। क्या हुआ वैशाली, मुझसे कोई गलती हुई क्या? ये मार्क्स कैसे 25 out of 25? ऐसा क्यों किया? एग्जाम 25 मार्क्स का था ना, 30 देता तो अच्छा नहीं लगता। मैं पागलों की तरह लाइनें खींच कर आई थी, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा था। हाँ पता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें फेल कर देता तो तुम मुझे सस्पेंड करवा देती, इसलिए। हाँ डरो, सब लोग मुझसे डरते ही रहो या फिर मुझे डराते रहो। आई हेट यू, आई हेट दोज स्टूडेंट्स, आई हेट दैट कॉलेज। मैं ही कॉलेज छोड़ दूंगी, फिर तुम सब खुश रहना। नो, ये करेक्ट नहीं है। क्या बोल रही हो तुम, उधर सारे काम बिगड़ जाएंगे। व्हाट? एक्चुअली वैशाली, तुम अपने आप से नाराज हो, है ना? मैं करेक्ट बोल रहा हूँ कि नहीं, ये बताओ। हेलो, ऐसी फिलोसफिकल बातें बुक्स में ही अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में नहीं। यू आर राइट वैशाली, लोगों को प्यार से जीतना चाहिए ना कि नफरत से। प्यार करो वैशाली, प्यार करो, कॉलेज से प्यार करो, कैंपस से प्यार करो, नोटिस बोर्ड से प्यार करो, मुझसे प्यार करो। तुम्हारी जो कोई तकलीफ है वो मुझसे शेयर करो, मुझसे फ्रेंडली रहो। तुम्हारा और मेरा झगड़ा हुआ है ना, फिर तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? फ्रेंडशिप वैशाली, फ्रेंडशिप। अगर ये पूरी दुनिया तुम्हें फेंक देगी तो मैं कैच करने के लिए तैयार। हे हे हे। हाँ, गुरु शिष्य के बारे में एक महान कवि ने क्या कहा था तुम्हें पता है? द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर शुड बी लाइक फिश एंड वॉटर, बट इट शुड नॉट बी लाइक द फिश एंड फिशरमैन। अगर ग्रामर में मिस्टेक हो जाए तो मत देखना, और अगर मीनिंग ही गलत हो जाए तो मुझे माफ कर देना। ये कहीं तो सुना। इंसान कहीं भी हो उसे पुकारना चाहिए। सुनो वैशाली, ज्यादा मत सोचो, क्लास में चली जाओ। लेकिन वो लोग मुझे। वो लोग चाहते हैं कि मैं कॉलेज में रहूं, और मैं चाहता हूं कि तुम क्लास में रहो। उन सबको मैं मनाता हूं। चलो। ए, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो सब लोग। क्यों तुम लोग ऐसा बिहेव कर रहे हो? इस लड़की को अपने से दूर क्यों रख रहे हो? फ्रेंड्स, उस लड़की को दूर रखो, उसे अवॉइड करो। अगर वो क्लासरूम में आती है तो तुम सब उठ के चले जाओ। अरे, इसने ऐसा किया क्या है कि तुम इसे नफरत कर रहे हो? उसने सबके सामने मुझसे सॉरी बुलवाया, आज से तुम लोग सब इसे नफरत करोगे। इसे कितना दुख हो रहा है तुम्हें पता है? शर्म के मारे उसे दुख होना चाहिए, उसकी गलती उसे पता चलनी चाहिए, उसके अंदर जो नफरत घमंड है वो सब खत्म हो जाना चाहिए। जो भी हुआ उसे भूल जाइए, प्लीज वेलकम हर। आज से सब लोग इसे फ्रेंडली रहेंगे। अरे सर, आप जो कह रहे हैं आपको खुद को समझ में आ रहा है क्या? 100% मुझे ही नहीं, तुम सबको भी उसे समझना होगा। लेकिन उस दिन आपने जो कुछ कहा उसे भूल जाओ, हमने जो कहा उसने जो किया वो सब भूल जाओ। गिरी भाई, दैट्स ऑल। ओके, जाने दो, जब उसको परवाह नहीं तो हमको क्या प्रॉब्लम। फील माय लव, फील माय लव। मिस्टर ऋषि, मिस्टर ऋषि, इसके साथ प्रैक्टिस करूंगा और वैशाली को इंप्रेस करूंगा। या सर, सर नहीं है, ठीक है मैं बाद में आता हूं। ए मैन, अरे बाप रे, वेट मैन, मेरी फीलिंग को समझो। कैसी फीलिंग? मेरी फीलिंग्स
मना मत करो, शादी में सब नया लगेगा, बाद में आदत हो जाएगी। Feel my love, feel my love, feel my love। किसको लव फील करवा रहा है? गलत टाइम पे आ जाता है, कबाब में हड्डी बन जाता है। आप बहुत अच्छे मौके पर आए हो, आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरी जान बचा ली। ये तो आपके साथ ही रहता है, क्या ये आपके साथ भी ऐसा ही करता है? ये सब मेरे साथ करने की उसकी हिम्मत नहीं है, मैं देख लूंगा, तुम जाओ। हेलो, एक्सक्यूज मी। यस, आई लव यू। एक्सक्यूज मी। हेलो, फील माय लव, चाहिए तो मैं अपने पैर पकड़ता हूँ। व्हाट? इज्जत से फील माय लव, फील माय लव, फील माय लव। इम्पॉसिबल। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? मैं कह रहा हूँ ये तुम्हारे लव को फील करे, इम्पॉसिबल। क्यों, क्यों नहीं फील करेगी? और ये बोलने वाला तू कौन होता है? मैं वैशु का बचपन का लवर हूँ, हमारा लव बचपन से चालू है। राइट राइट। बाप रे बाप, कितना अच्छा नाटक कर रहे हो तुम लोग, अभी के अभी लवर पैदा होकर आ गया क्या? ये सब नहीं मानता, वैसे भी मैं तुमसे सीनियर हूँ, आई मीन मैं तुमसे पहले इस पार्क में आया हूँ। शंकर अन्ना को फोन करूँ? दो मिनट में इसे ठीक कर दे। नो वैशाली, मैंने कहा था ना इंसान को प्यार से जीतना चाहिए। ओके कूल, ए तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं, क्या करके विश्वास दिलाऊं, बोलो। अब वो कभी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। ओ आई एम सॉरी वैशाली, इट्स ओके। वैसे तुम्हें थोड़ी कम करनी पड़ेगी। क्या? खूबसूरती, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी लड़का पीछे आएगा ही। विनी, पिताजी का सामान होने वाला है, याद है ना? 15 मिनट में वहां पहुंचूंगा, तुम रेडी हो गई हो ना? अच्छा मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कंपनी देने के लिए कोई नहीं है, आप जल्दी से आ जाइए ना प्लीज सर। सम्मान के लिए जाऊंगा तो शास्त्रीय संगीत होगा, बढ़िया माहौल होगा और शांति होगी, और अगर पब में जाऊंगा तो लड़कियां होंगी, बियर होगी, लाउड साउंड होगा, नकली धुआं होगा, गंदगी होगी, छी 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 छी। पब में ही चलते हैं। क्या ऋषि अभी तक घर पर नहीं आया? Too funny, I've never seen anyone dance like that. Excuse me. Okay. ये क्या किया इसने? अभी कॉल किया? इस कॉलर ट्यून के लिए स्टार दबाइए, उसके बाद नौ दबाइए, और अगर आपको कॉलर ट्यून चाहिए तो महीने के 15 रुपए और आपके लिए 1000। कॉल किया तो गाना क्यों नहीं आया? आपका कॉल हमारे एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रांसफर हो रहा है, कृपया वेट करें, कॉल पर बने रहिए। कस्टमर केयर, साला उसकी तरह उसका फोन भी टेढ़ा है। क्या हवा है, क्या हवा है, अगर ऐसे मौसम में बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर जाए तो कितना मजा आएगा। अरे रे रे रे, तुम्हारे पास ये चांस नहीं है ना? हेलो, कार में एसी लगा है ना? कार में बैठ के एसी का सुख लेना अलग बात है, और बाइक पर बैठकर खुश होना अलग बात है। सुख हासिल करना अलग है और खुश होना अलग। बाय। ओके चलो, बाइक का मजा मैं भी देखूं।